أعوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الذي من علينا بنبيه دون الأمم الماضية والقرون السالفة سيد خلق الخالق حامل رسالة المرسل الصادق المصدق أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلوات الله عليه وسلم سامعيني كرام امام المتقين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل علی محمد و آل محمد کی صفات سے متعلق سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ سورہ فرقان قرآن مجید کا 25 سورہ ہے اور اس سورہ کی 74 آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہے والذین یقولون، یہ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے ازواج سے عطا کر وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا اور ہماری ذریات اولاد سے حسن سے ہمیں عطا کر، کیا عطا کر؟
हमारी आंखों की ठंडक, वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और हमें मुत्तकीन के लिए इमाम करार दे। अज़ीज़ाने गिरामी, कल मैंने आपके सामने एक रिवायत शवाहिदुत तंज़ील से जिक्र की, आज इसी आयत की तफसीर में तावीलुल आयत ज़ाहिरा से एक और रिवायत आपके सामने पेश करना की सआदत हासिल की। अबुल जारूद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से ये रिवायत करते हैं, इमाम ने फरमाया कि यहाँ इन आयात के अंदर मकसूद और मुराद नहनु आलु मुहम्मदिन अहलु बैत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इन आयात में मुराद रसूल के घर वाले, रसूल के अहले बैत। एक और रिवायत में फरमाते हैं अबू सईद खदवी, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला फरमाते हैं कि इस आयत में मुराद मैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इसलिए कि मैं अक्सर ये दुआ क्या करता था कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व मिन ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अय्युनि व अज़अलना लिलमुत्तकीन इमामा, लेकिन खुदा की कसम मैंने जो दुआ परवरदिगार आलम से की कि मुझे मेरी ज़ुर्रियात से मेरे आँखों की ठंडक अता कर, वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और मुत्तकीन के लिए मुझे हमें इमाम करार दे, तो वहाँ कहीं भी मैंने ये दुआ नहीं की, ये सवाल नहीं किया, मा सअल्तुहु गुल्दन नज़ीरल वजह, कि मैंने जो भी दुआ की परवरदिगार आलम से कि मुझे औलाद अता कर, तो मैंने ये दुआ नहीं की कि मुझे अच्छे चेहरे वाली खूबसूरत औलाद अता कर, वला वमा सअल्तुहु वलदन हुस्नल कामा, और ना ही मैंने परवरदिगार आलम से ऐसी औलाद तलब की कि जिसकी कामत अच्छी हो और वो कदो कामत के एतबार से खूबसूरत हो। फिर मैंने क्या दुआ की, कहा मैंने क्या तलब किया अल्लाह से, मौला फरमाते हैं मैंने ऐसी औलाद तलब की कि जो कानू लिल्लाह आबिदीन, जो अल्लाह के लिए इबादत गुजार हों, खाइफीन अल्लाह से खौफ रखने वाले हों, वजलीन अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाले हों, और फिर फरमाया कि जब वो खुदा की राह में मुतीईन इताअत करें अल्लाह की और उसके रसूल की, तो वो मेरी आँखों के लिए ठंडक कराता है। तो वहाँ मौला दर्श दे रहे हैं कि जब तुम खुदा से अपने लिए कोई नेमत तलब करो, कोई रहमत तलब करो, तो याद रखना कि उस नेमत और उस रहमत को तलब करते वक्त ये तवज्जो रहे कि हम ये चाहते हैं कि ये नेमत और रहमत खुदा की राह में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए खुदा से जानेगा। ये अली जिन्हें खुदा ने इमामुल मुत्तकीन करार दिया, इमाम बनाना आम इंसान का काम नहीं है, आवाम का काम नहीं है, ये वो मनसब है कि जो खुदा ने अपने हाथ में लिया। जिस तरीके से रिस्क देना, रिस्क के मुतलक सिर्फ और सिर्फ राज़ी के मुतलक खुदावंद मुताल है, वैसे ही इमाम बनाने का मनसब भी खालिस खुदा के हाथ। क्या फरमाता है परवरदिगार आलम सूरह बकरा के अंदर, जब हजरत आदम को खल्क किया तो फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, देखो जमीन के अंदर खलीफा मैं बनाऊंगा, तो फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में खलीफा करा दूंगा। और सूरह अंबिया कुरान मजीद का 21वां सूरह, उसकी आयत है कि हम जअलनाहुम आइमतन यहदून बिअम्रिना, हम आइमा करार देते हैं, हम इमाम बनाते हैं, यहदूना बिअम्रिना, जो हमारे ही हुक्म की इजाज़त से, हमारे ही इजाज़त से हिदायत दिया करते हैं। तो इमाम बनाना खुदावंद मुताल की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि जब अम्बिया के लिए ये कहा तो औलिया औसिया जो वारिस हैं अम्बिया के, हम क्या कहते हैं,
मौला के लिए ईद मवास के अंदर जो ज़ियारत मौला अली के लिए वारिद हुई है उसमें कहते हैं हम अस्सलाम अलैका या वारिसा आदमा सफ़तिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा आदमा खलीफतिल्लाह, कि सलाम हो आप पर ऐ आदम के वारिस जो अल्लाह के खलीफा हैं, अस्सलाम अलैका या वारिसा नूह सफ़तिल्लाह, सलाम हो आप पर ऐ नूह के वारिस जो अल्लाह की तरफ से मुंतखब किए गए हैं, सलाम हो उसके बाद अस्सलाम अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा ईसा कलीमिल्लाह। तो ये क्या वजह है कि मौला को हम अंबिया का वारिस कह रहे, मौला को हम अंबिया की तरफ से विरासत में मिली हुई चीज़ों का हामिल कह रहे। तो क्या अंबिया ने विरासत के अंदर अपने जो घर मकान बाबा छोड़े थे मौला उनके वारिस हैं? इससे समझना पड़ेगा यहाँ विरासत से क्या मुराद है। ये जो इमामुल मुत्तकीन वारिस बन रहे हैं और सिफत उनकी ज़ियारात में आ रही है कि ये वारिस हैं अंबिया के, या विरासत से क्या मुराद है? विरासत की दो किस्में होती हैं, एक मरतबा माली विरासत, माल की विरासत, और एक मरतबा मानवी विरासत। जब मादी और माली विरासत हुआ करती है तो वारिस की तरफ मौरूस की तरफ से कुछ माल मुंतकिल हो जाता है, मौरूस के पास उसकी मिल्कियत बाकी नहीं रहती, मौरूस की तरफ से मिल्कियत मुंतकिल होकर वारिस के हाथ में पहुंच जाती है और मौरूस को कुछ नहीं मिलता, मौरूस इस दुनिया से जा चुका होता है, उसका जो माल है वो वारिसों में तकसीम हो जाता है। लेकिन जो मानवी मीरास होती है, जो दीनी मीरास होती है, मौरूस जिसकी तरफ से विरासत मिल रही है वो भी उस सिफत का हामिल होता है और वारिस भी उस सिफत का हामिल होता है। ये वारिस कौन है? ये अली इब्न अबी तालिब जो वारिस बन रहे हैं, किस चीज़ के वारिस बन रहे हैं? तो जैसे कि कुरान की आयत में मैंने जिक्र किया वो खलीफतुल्लाह है, खलीफतुल्लाह का मकाम विरासत में अली इब्न अबी तालिब को अंबिया से मिल रहा है। इल्म, इल्म वो चीज़ है कि जो विरासत में मौला को अंबिया की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि ये विरासत मादी नहीं है, मानवी है। कुरान में भी जा बजा मकाम पर ये जिक्र हुआ, सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब ज़करिया ने दुआ की कि ऐ खुदा मुझे ऐसी औलाद अता कर कि यरिसुनी, जो मेरे भी वारिस बने वो यरिसु मिन आले याकूब, और आले याकूब की भी वारिस बने, तो वो नबूवत का मनसब है, खिलाफत का मनसब है, खलीफतुल्लाह होने का मनसब है। इल्म जो दाऊद के पास था, सुलेमान के पास था, वो मौला के पास पहुँचा है। और क्या चीज़ है इसके अलावा जो मादी चीज़ें हैं वो भी आइमा मासूमीन के पास अंबिया की तरफ से मीरास में आती है। उसूल काफ़ी की ये हदीस है कि मूसा का असा और संदूक और इब्राहीम का लिबास और सुलेमान की अंगूठी आइमा मासूमीन के पास विरासत में अंबिया से पहुंचती रही, यहाँ तक के कायन आले मोहम्मद इमाम ज़माना जल्लल्लाहु अलैहि जब तशरीफ लाएंगे तो इन तमाम मीरास अंबिया को साथ में लेकर आएंगे। तो ये विरासत है मौला की अखलाकी सिफात में से एक सिफत है हुस्नुल खल्क होना, हुस्नुल खुल्क होना, अच्छे अखलाक का माहिर होना, अच्छे अखलाक का हामिल होना। उनके चेहरा हमेशा हशाश बशाश रहता था और इतना ज़्यादा मुस्कुराते थे और इतना ज़्यादा मिजाह करते थे कि दुश्मनान आले मोहम्मद ने अली इब्न अबी तालिब पर ये लगा लगाना शुरू कर दिया कि ये दआबा हैं। दआबा यानी वो शख्स जो बहुत ज़्यादा मजाक करता हो, बहुत ज़्यादा मिजाह करता हो। खुद रसूल के ज़माने में जो वाक़िया है वो आप सबने सुना है, मैं बच्चों के लिए जिक्र कर रहा हूँ कि एक मरतबा मौला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ फरमाए और ये दोनों बुजुर्ग हस्तियाँ खजूर तनावुल फरमा रहे, इतने में अल्लाह के रसूल गुफ्तगू करते करते जो खजूर खाते थे उसकी गुठलियाँ मौला की प्लेट में और ज़ैफ़ में उशकाफ में मौला के रखते जाते थे। जब खजूरें ख़त्म हो गई
तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिजाहन कहा कि ए अली, तुमने इतनी सारी खजूरें खा ली? तो मौला ने जवाब दिया कि जी, मैंने इतनी खजूरें खाई, लेकिन आप तो सारी खजूरें गुठलियों समेत ही खा। तो मौला उस वक्त मिजाह करते थे, ऐसा मिजाह जिससे सामने वाले की तौहीन भी ना हो, और हशाश बशाश रहते थे। एक मरतबा उम्मे हानी, वो चंद ऐसे अफराद को पनाह दे देती हैं कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डर कर और खौफ से उम्मे हानी के घर में छुप जाते हैं। उम्मे हानी कौन है? उम्मे हानी भी अबू तालिब की बेटी है और मौला की बहन। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जाओ उम्मे हानी के घर से इन अफराद को, जिन तीन अफराद का नाम मैं नहीं लेना चाहता, उन तीन अफराद को लेकर आओ। मौला अपने चेहरे के ऊपर लोहे का निकाब डालते हैं और कहते हैं उम्मे हानी के घर पर जाकर कि इस घर में जो जो है वो अपने चेहरे को ढांपे बगैर बाहर आ जाए। खुद तन्हा अली इब्न अबी तालिब गए हैं उम्मे हानी के घर में, कहते हैं इस घर में जो जो है वो तीन अफराद मर्द थे और ये एक खातून उम्मे हानी, इस घर में जो जो है उसके लिए जरूरी है, लाजिम है कि वो अपने चेहरे के ऊपर और अपने सर के ऊपर कोई कपड़ा ना डाले और बाहर आ जाए। एक मरतबा उम्मे हानी देखती है कि सामने एक मुसलमान है जिसने अपने सर के ऊपर एक लोहे का खौल पहना हुआ है और खतरनाक आवाज के अंदर कह रहा है कि सर को ढांपे बगैर बाहर आ जाओ। एक मरतबा चीख कर कहती है, ए मुसलमान, याद रखना मैं रसूल से तेरी शिकायत करूंगी। बस जब वो ये कहती हैं तो मौला अपने खौल को, अपने सर पे जो खौल पहना होता है वो उतारते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी बहन, क्या तू अपने भाई के सामने भी सर को ढांप कर आएगी? उम्मे हानी मुस्कराती हैं और एक मरतबा उन तीनों अफराद को लेकर आती हैं और रसूल फिर कहते हैं कि जिसने, जिसको अली की बहन ने पनाह दी हो, हम भी उसे पनाह देते हैं और उसे अमान में रखते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये अली का हुस्न खुल्क है कि अखलाक के एतबार से जहाँ अली इब्न अबी तालिब शदीद हैं, शदीद उल कुवा हैं जंगों के अंदर, वहाँ अपने दोस्तों के साथ रऊफ हैं, मेहरबान हैं। अल्लाह के रसूल को कुरान क्या कहता है कि अल्लाह के रसूल के अतराफ में जो अफराद हैं उससे मुराद यही अहले बैत हैं कि ये वो लोग हैं अशिद्दाउ अलल कुफार, कुफार के साथ तो शदीद हैं लेकिन वो हमाओ भाई ना हो, अपने दरमियान मोमिनीन के दरमियान ये आपस में रहम दिल हैं। तो यहाँ सबक मिलता है कि मोमिन जब खुदा के दुश्मनों से बात करे तो बेशक गजबनाक हो और एक कवी स्टैंड ले, मुहकम स्टैंड ले, लेकिन जब अपने मोमिन भाइयों के दरमियान हो, अपने मोमिन दोस्तों के दरमियान हो, तो कोई ये ना कहे कि ये तो हर वक्त इसका लहजा सख्त ही रहता है, इससे तो बात करो तो इसके मुँह से सख्त बात ही निकलती है, सख्त लहजा ही निकलता है। नहीं, मौला दर्स दे रहे, नमूना अमल है, फरमा रहे हैं कि जब मोमिन दूसरे मोमिन से मुलाकात करे, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने घर वालों से मुलाकात करे तो खुश मिजाज हो, खुश अखलाक हो, नरम मिजाज हो, नरम लहजे में गुफ्तगू करे। मौला सादिक थे, सादिकुल वाद, ऐसे सच्चे थे कि रसूल फरमाते हैं जब रसूल ने अबू ज़र को एक मरतबा देखा तो अबू ज़र गफारी के बारे में फरमाया, मा अज़ल्लतिल गबरा, के आसमान ने साया नहीं किया और ज़मीन से कोई पौधा नहीं उगा कि जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो, गैरा रजुलिन वाहिद असदक मिन अबा ज़र गैरा रजुलिन वाहिद, अबू ज़र से ज्यादा सच्चा ना आसमान ने उस पर साया किया और ना जमीन से कोई पौधा निकला, यानी कोई शख्स भी अबू ज़र से ज्यादा सच्चा नहीं था, गैर रजुलिन वाहिद सिवाय एक शख्स के, वो सबसे ज्यादा सच्चा है। लोग परेशान हुए कि कौन, इतने में अली इब्न अबी तालिब मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, कहा हाज़ा हुवल आती, वो शख्स कि जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा है वो अली इब्न अबी तालिब है। अली इब्न अबी तालिब की सदाकत इस मरहले पर थी, इस मकाम पर थी कि सदाकत में अबू ज़र से भी ज्यादा सच्चे
जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमा रहे अबू ज़र तमाम लोगों से ज़्यादा सच्चे हैं, उनसे भी ज़्यादा सादिक अली इब्न अबी तालिब। ये वारिस हैं अम्बिया के, जहाँ खिलाफत इलाही के वारिस हैं, जहाँ इल्म के अंदर अली इब्न अबी तालिब वारिस हैं, जहाँ ऐसी चीज़ों के अंदर भी जो अम्बिया ने छोड़ी हैं उसके वारिस हैं, जहाँ उन चीज़ों के अंदर वारिस हैं कि जो सिफात हमीदा हैं, अच्छी सिफात हैं, अच्छे अखलाक हैं, उनमें वहाँ जहाँ वारिस है वहाँ इज्तिमाई ज़िम्मेदारी में भी अली इब्न अबी तालिब वारिस है। कैसे वारिस है इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के अंदर कि अली इब्न अबी तालिब मौला रसूल की जो हदीस थी कि जब माशरे के अंदर बिदअतें राइज हो जाए तो आलिम की जिम्मेदारी है कि वो अपने इल्म को जाहिर करे और बिदअतों को ख़त्म करे, और जो आलिम ऐसा ना करे अल्लाह और मलाइका और लोग उस पर लानत करते हैं। तो इस एतबार से भी अली इब्न अबी तालिब वारिस बनते हैं अंबिया के। इन तमाम सिफतों को आप एक तरफ रखें, एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर अली इब्न अबी तालिब उन तमाम अंबिया के वारिस बनते हैं, वो क्या है? तौहीद की वफा। हदफ था अंबिया का, असल हदफ जो कुरान मजीद के अंदर जिक्र हुआ है वो क्या है कि तौहीद बाकी रहे, बकाए तौहीद, ये अंबिया का हदफ था। इस हदफ को किसने पूरा किया? मौला ने पूरा किया। तो अब जब हम मौला की ज़ियारत पढ़ेंगे अस्सलाम अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, तो अब हमारे जहन में आएगा कि किस तरीके से ये अली जिसकी हम ज़ियारत पढ़ रहे हैं वो वारिस बनते हैं अंबिया के। तो ये अली इब्न अबी तालिब जिनकी सिफात अखलाकी अपनी जगह पर हैं, वहीं सिफात इबादी भी अली इब्न अबी तालिब की अपने कमाल के ऊपर हैं। ये ऐसी इबादत करते थे कि बेइज्जत से पहले और रसूल की बेइज्जत से पहले, हत्ता ये कि बाज़ रिवायात के अंदर है कि जब फातिमा बिनत असद अली अलैहिस्सलाम के लिए हामिला थी और अली इब्न अबी तालिब शिकम मादर में थे, उस वक्त भी फातिमा बिनत असद को किसी बुत खाने के कमरे के पास भी जाने नहीं देते थे। इस तरीके से शिकम मादर में करवट बदलते थे कि फातिमा बिनत असद किसी बुत खाने के करीब से भी ना गुजर सके। यही वजह है कि अली इब्न अबी तालिब को लकब मिला करम अल्लाह वजहू, कि इस्लाम के और रसूल के मबूस में रिसालत होने से पहले भी, कि जब ऐलान रिसालत रसूल ने बज़ाहिर आम तौर पर पब्लिक के लिए नहीं किया था, उससे पहले भी अली इब्न अबी तालिब ने कभी किसी बुत खाने में किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ऐसी बातें और ऐसी नमाज कि वो वाहिद नमाज कि जो बाकी सारी नमाज अल्लाह के रसूल की तरफ से मनकूल हुई है, नाफिला नमाज है, लेकिन एक ऐसी नमाज है कि जो अल्लाह के रसूल की तरफ से मनकूल नहीं हुई, खुद मौला ने उसे अंजाम दिया और मौला ने उसे बयान फरमाया। खुद अहले सुन्नत के यहाँ भी ये बात मौजूद है और तशय्यों के यहाँ भी। सलातुल अवाबीन, तौबा करने वालों की नमाज, ये कौन सी नमाज है? ये चार वक्त नमाज है जो इंसान बाज़ रिवायत के मुताबिक ज़ोहर की नाफिला के बाद पढ़ सकता है, बाज़ के मुताबिक मगरिब और इशा के बीच में पढ़ सकता है। चार वक्त नमाज है, सलातुल अवाबीन, दो दो करके दो नमाजें पढ़े इंसान, तो ये मौला की तजवीज़ करता नमाज है। अवाबीन कहते हैं तौबा करने वाले। मौला को गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इस खातिर कि खुदावंद मुताल ने जो तौबा करने वालों का दर्जा करार दिया है, अली इब्न अबी तालिब भी उस दर्जे के अंदर हों और उसके कमाल पर हों, इसलिए अली इब्न अबी तालिब सलातुल अवाबीन। और सजदा, ऐसा सजदा कि जब अस्बग इब्न नबाता वो ये देखता है कि मौला सजदे में है, तो देखता है कि मौला सजदा किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, तो देखते हैं कि मौला सजदे करने के बाद बैठ जाते हैं, मुतमईन तौर पर बैठ कर फिर दोबारा सजदे में जाते हैं, और जब खड़ा होना चाहते हैं उससे पहले भी थोड़ी देर मुतमईन हालत में बैठते हैं। तो मौला जवाब देते हैं कि देखो, ये सलात की तौकीर है और सलात की तौहीन है कि इंसान सजदे से उठते वक्त थोड़ी देर के लिए बैठे नहीं और एक लम्हे के लिए फौरन खड़ा हो जाए। तो मौला फरमाते हैं सजदे के आदाब हैं, और सजदे के आदाब भी जिसने सिखाए वाली इब्न अबी तालिब ने सिखाए।
इबादत के मरहले में अली इब्न अबी तालिब का खुजू खुशू और हुजूर कल्ब इस कदर ज्यादा कि एक मर्तबा मौला के पैरों के अंदर तीर फंस जाता है। लोग परेशान होते हैं कि ये तीर कैसे निकालें। मौला के पैरों से तीर निकालने की कोशिश करते हैं, मौला को तकलीफ होती है। एक मर्तबा एक शख्स मशवरा देता है कि मैंने अली इब्न अबी तालिब को देखा है कि जब वो मुसल्ला नमाज पर होते हैं तो ऐसे नमाज पढ़ते हैं कि वो और खुदा के दरमियान कोई चीज माने नहीं हो सकती। तो बस वो मुसल्ला इबादत पर जब जाते हैं और सजदे में जाते हैं तो लोग जब उनके पैरों से तीर निकालते हैं तो उन्हें एहसास नहीं होता। ऐसे आबिद और ऐसे इबादत करने वाले अली इब्न अबी तालिब, ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद का लक़ब था। लेकिन एक मर्तबा इमाम सज्जाद नमाज पढ़ते हैं और पांचवें इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम देखते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पूरी रात नमाज पढ़ रहे हैं इस हालत में कि सफ़ेरा लौन उनका रंग उनका पीला पड़ गया और वो मदहोश हो गए और ज़ारो कतार गिरिया करने लगे और खौफ इलाही से कांपने लगे। ऐसी इबादत ज़ैनुल आबिदीन करते थे। एक मर्तबा इबादत के बाद इमाम बाक़िर आते हैं इमाम सज्जाद के पास। बाक़िर कहते हैं कि बाबा आप इतनी इबादत करते हैं, मुझे आप पर रहम आता है। इमाम सज्जाद कहते हैं बेटा ज़रा सहीफ़े अली को लेकर आओ। पांचवें इमाम सहीफ़े अली को लेकर आते हैं और उसके अंदर मौला जो इबारतें लिखी हुई है वो पांचवें इमाम को बताते हैं और कहते हैं कि ये देखो अली इब्न अबी तालिब की नमाज कैसी थी, अली इब्न अबी तालिब की इबादत कैसी थी। इन्नहा यक़्वी, वो इतने ज्यादा कवि थे कि आबदुन नास के आदम से लेकर खातम तक जितने अफराद इबादत करते हैं उन सब इबादत करने वालों से ज्यादा इबादत करने वाली हस्ती का नाम अली इब्न अबी तालिब है। सलावत पढ़े मोहम्मद। तो मौला तो इस कदर नमाज पढ़े और इतनी मोहब्बत से खुदावंद मुताल के हुजूर जाएं और आज का शिया ये कहे कि नाउज़ुबिल्ला चूंकि अली मस्जिद में शहीद हुए इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। अली नमाज की हालत में शहीद हुए। अगर ऐसा होता कि चूंकि अली मस्जिद में शहीद हुए इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप बाद वाले मासूमीन को देखिए क्या बाद वाले मासूमीन ने उसी मस्जिद में जाकर जिस मस्जिद में अली इब्न अबी तालिब शहीद हुए नमाज नहीं पढ़ी। बेशक नमाज पढ़ी, ज़ैनुल आबिदीन कराए पाए, सैयदुस साजिदीन कराए पाए, हत्ता ये कि इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा के अंदर इस कदर नमाजें पढ़ी कि मस्जिद कूफा के अंदर ये मकाम बन गया कि ये वो मकाम था जिस मकाम पर हसन और हुसैन कसरत से नमाज पढ़ा करते। तो आज का शिया ये कैसे कह सकता है कि चूंकि मस्जिद के अंदर अली शहीद हुए तो इसलिए हम नमाज के लिए अली इब्न अबी तालिब हज और उमरा के एतबार से भी आला मकाम पर, उनकी इबादी सिफात के अंदर हज के एतबार से भी इतने बेहतरीन कि जब वो हज को अंजाम देते थे तो हज अंजाम देते वक्त लोग ये कहते थे कि ये तो वही हज है जो हमने हुज्जतुल वदा के मौके पर रसूल को करते देखा था। ऐसे मुती और ऐसे बामल के एक एक लम्हे के अंदर जो हज कह रहे हैं वो भी अल्लाह के रसूल की पैरवी करते और ये मौला की ज़ात को ज़ात है कि जब इबादत के अपने आला मकाम पर पहुँचते हैं तो इस कदर आला मकाम पर पहुँचते हैं कि ये जुमला कहते हुए नज़र आते हैं कि अली इब्न अबी तालिब ने खुदा की इबादत ना जन्नत की लालच में की ना जहन्नुम के खौफ से की बल्कि इसलिए इबादत की कि बेशक खुदा इस लायक है कि उसकी इबादत। इबादत के अंदर भी मौला जिस तरीके से अखलाक की सिफात में और अखलाकी सिफात में बेहतरीन सिफात के हामिल थे, इबादत की सिफात में बेहतरीन सिफात के और हज में भी ऐसा बेहतरीन हज करते थे। एक मर्तबा हसन और हुसैन ने देखा कि मौला बेहतरीन हज कर रहे हैं तो उन्हें भी इश्तियाक पैदा हुआ कि वो भी हज के लिए जाएं। मस्जिद कूफा के मिंबर पर मौला तशरीफ फरमाए, हसन और हुसैन आते हैं और आकर कहते हैं मौला हम हज पर जाना चाहते हैं। मौला फरमाते हैं कि बेटा तुम अभी कम उम्र हो और गर्मी भी शदीद है तो थोड़ा सा तहम्मुल किया। हसन और हुसैन ने इसरार किया,
तो मौलाना ने इजाज़त दे दी। जब मौलाना ने इजाज़त दे दी तो हसन हुसैन अपने बाबा से रुखसत होकर हज के लिए निकले। रास्ते में मौला हुसैन बीमार पड़ गए। जब मौला बीमार पड़ गए तो इमाम हसन परेशान हुए कि उनके भाई बीमार हो गए, तो ढूंढना शुरू किया कि कोई मकान नजर आए, कोई मकाम नजर आए, कोई घर नजर आए। तो देखा कि एक टूटा फूटा मकान है, और एक टूटा फूटा मकान है वहाँ मौजूद है। इमाम हसन और इमाम हुसैन वहाँ चले गए, तो वहाँ काना फीहा शेखुन व शेखता, कि वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स था और एक बूढ़ी खातून थी। इमाम हसन ने कहा कि मेरा ये भाई बीमार है, मैं चाहता हूँ कि चंद दिन आपके यहाँ कयाम करें। वो बूढ़ा शख्स कहता है कि बिस्मिल्लाह, और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस घर में दाखिल हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा इरादा हज पर जाने का है, लेकिन मेरे भाई हुसैन बीमार पड़ गए। बस शाफी मुतलक खुदावंद मुताल मौला हुसैन को शिफा दे देता है, और चंद दिन शिफा पाने के बाद ये हसनैन कैबिमैन रुखसत चाहते हैं। तो ये बूढ़ा शख्स कहता है कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कुछ और दिन हमारे यहाँ कयाम करें। बहुत ज़्यादा जब इसरार करता है तो हसन और हुसैन उसकी इस दरख्वास्त को कबूल कर लेते हैं और उसके घर में थोड़े दिन और कयाम करते हैं, और ये उनकी मेहमान नवाजी करता है, और मौला हसनैन रुखसत होकर हज की तरफ जाते हैं। हज की तरफ जाने से पहले इस बूढ़े मर्द और बूढ़ी खातून से कहते हैं कि ऐ शेख और ऐ शेखा, तुम हमारे शमाइल को याद रख लो, हमारी सूरत को याद रख लो, जब भी तुम मदीने आना तो मदीने में हमारे इन शमाइल का जिक्र करना, तो हम तुम्हें अपने घर पर मजबूर करेंगे। वो कहता है कि ठीक है, मौला हज अंजाम दे देते हैं, और हसनैन हज अंजाम देने के बाद वापस मदीने पलट कर आ जाते हैं। जब मदीने पहुंच जाते हैं, कुछ अरसे के बाद ये बूढ़ा शख्स और ये बूढ़ी खातून ये दोनों मदीने की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि मदीने में मौला अली इब्न अबी तालिब से इनकी मुलाकात हुई है। मौला को देखकर एक मरतबा कदमों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हम आपकी ज़ियारत के मुश्ताक हैं। साथ में ही दो ऐसे नौजवान थे जो हमारे घर पर आए थे और वो हज की तरफ जाना चाहते थे, उनके ये शमाइल थे और ये सूरत थी। जब उनकी शमाइल बताई तो मौला ने कहा ये तो मेरे दो फर्जंद हसन और हुसैन हैं। बस हसन और हुसैन को बुलाया गया, हसन और हुसैन ने इस बूढ़े शख्स को अपने गले से लगाया और बहुत ज़्यादा खुशी से मिले, उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अपना मेहमान बनाया। चंद दिन तक मेहमान बनाया। अब इस बूढ़े शख्स ने रुखसत चाही, कहा कि नहीं, आप कुछ और दिन हमारे यहाँ ठहरें, और अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो हमसे बयान करो। मौला हुसैन ने जैसे ही कहा तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो हमसे बयान करो, तो इस बूढ़े मर्द और इस खातून ने जो अभी सिन्ने यायसा तक नहीं पहुँची थी, इस बूढ़े शख्स ने कहा कि मौला हमारे यहाँ औलाद नहीं है, हमारे यहाँ फर्जंद नहीं है, आप खुदा से दुआ कीजिए कि खुदा हमारी इस दुआ को कबूल करे और खुदा हमें अपनी नेमत और रहमत से नवाजते हुए हमें अपने औलाद से नवाजें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, खुदाया सहाबे रहमत से मैं ये रिवायत पढ़ रहा हूँ, खुदाया इस शख्स को नेक औलाद अदा कर। मौला के मेहमान बने रहते हैं, कुछ अरसे तक मेहमान रहने के बाद इस बूढ़ी खातून को हमल महसूस होता है, वो हमला हो जाती है और उनके यहाँ औलाद मुतवक्के होती है, वो जाना चाहते हैं। तो मौला हुसैन कहते हैं कि तुम उस वक्त तक कि जब तक तुम्हारी ये सूरत हाल ख़त्म नहीं हो जाती हमारे यहाँ मेहमान हो। बस मौला कुछ और दिनों तक इसे मेहमान ठहराते हैं। इसके यहाँ विलादत होती है, जब विलादत हो जाती है तो मौला के पास आता है और मौला से कहते हैं कि मौला आप बताइए इस फर्जंद का क्या नाम रखा जाए। मौला जवाब में कहते हैं ये हमारे मुहिब्बों में से होगा, ये हमारे दोस्तदारों में से होगा, ये हमारे शियों में से होगा,
और मुझ हुसैन इब्ने अली पर कर्बला के मैदान में ये शहीद हो जाएगा। वो कहता है इसका नाम क्या रखा जाए, तो कहते हैं मौला कहते हैं इसका नाम हुर रखा जाए। बस इसका नाम हुर रखा जाता है और ये शख्स आहिस्ता आहिस्ता जवान होता है और शाम चला जाता है। जब ये शाम में पहुंचते हैं तो शाम के माहौल की वजह से मजबूर होते हैं कि शाम की दस्तगाह में और शाम की फौज के अंदर ये काम करें। बस ये हुर इनका इनकी हिस्ट्री और इनकी तारीख ऐसी है कि हुसैन इब्ने अली से बचपन से ही बल्कि विलादत से पहले वो इब्ने यजीद रियाही जो शख्स जो बूढ़ा शख्स था उसका नाम था यजीद रियाही। ये हस्तियां मिलती हैं इमाम हुसैन से और इनकी निस्बत रहती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। और वो वक्त भी आता है कि जब दो मुहर्रम को कर्बला के मैदान में मौला हुसैन से हुर की मुलाकात होती है तो वो हुसैन जो इस अली इब्न अबी तालिब जो वारिस अंबिया है उनका फर्जंद है खुद हुसैन के लिए भी वारिस अंबिया की ज़ियारत के अंदर अल्फाज आते हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह। ऐ हुसैन जो वारिस हैं आदम के जिस तरीके से काबील ने हाबील को कत्ल किया तो जवान बेटे के लाशे पर रोने वाली जात का नाम आदम है, बिल्कुल इसी तरीके से जब हुसैन इब्ने अली के बेटे अली अकबर को कत्ल किया तो अली अकबर के जनाजे पर आने वाली और सबर करने वाली जात का नाम हुसैन इब्ने अली। जब नूह ने देखा अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबीउल्लाह, ये हुसैन इब्ने अली नूह के वारिस हैं। कौन नूह? वो नूह के जो चाहते थे कि पूरी इंसानियत को निजात दे, तकलीफ देना शुरू की, अजियतें देना शुरू की और आवाम ने और लोगों ने नूह को तबलीग ना करने दी तो लोग ये कहते थे कि आप बाज जो उनके साथ 80 अफराद थे वो ये कहते थे कि आप खुदा से इनके लिए बददुआ करें। तो ये नूह की जात वो जात थी जिन्होंने 900 साल तक बर्दाश्त किया लेकिन बददुआ के लिए हाथ ना उठाए। ये हुसैन इब्ने अली वारिस हैं उन अफराद के उन अंबिया के कर्बला के मैदान में वारिद हुए हैं दो मुहर्रम को, लेकिन दो मुहर्रम से लेकर आशूर तक लम्हा ब लम्हा बलागत हुसैन फसाहत हुसैन और इत्माम हुज्जत के लिए मौला हुसैन एक के बाद एक 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 करके अपने उन अफराद को जिन्होंने खत लेकर बुलाया था उन पर हुज्जत तमाम करते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए बददुआ के हाथ नहीं उठा रहा, शायद तुम राह-ए-रास पर आ जाओ हिदायत पा जाओ। ये हुसैन वारिस हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह के, वो इब्राहिम अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलुल्लाह, वो इब्राहिम के जिन्होंने अपने फर्जंद इस्माइल को खुदा की बारगाह में कुर्बान किया खुदा के हुक्म के इताअत को अंजाम देने के लिए और खुदा ने उनकी जगह पर एक गुम्बे को भेज दिया और इस्माइल बच गए। किसके लिए? फदैनाहू बिज़बहिन अज़ीम, हमने उन्हें फिदा कर दिया उस ज़िबह के लिए कि जो अजीम ज़िबह है। वो कौन अजीम ज़िबह है? हुसैन इब्ने अली वो फिदा हो रहे हैं और ज़िबह हो रहे हैं खुदा की राह में, इस्माइल से बढ़कर इस्माइल से चंद कदम आगे बढ़कर खुदा की इताअत के लिए। ये कौन हुसैन? मूसा कलीमुल्लाह अस्सलाम अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, ये वो हुसैन है जो मूसा कलीमुल्लाह के वारिस हैं, वो मूसा जिसने अल्लाह से कलाम किया। अजीजान अजादारों कर्बला के मैदान में एक फरिश्ता आता है और आकर कहता है कि ऐ हुसैन अगर आप कहें तो हम फूंक मार कर इन तमाम अफवाज को नीस्तो नाबूद कर दें। हुसैन इब्ने अली ने कहा कि ऐ फरिश्ते मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इनमें से जो भी आए तौबा करने के लिए अपने इख्तियार से आए, कोई ये ना कह सके कि हाँ हुसैन के पास तो विलायत तकवीनी थी जिसके जरिए से एक फूंक के जरिए से उसने तमाम अफवाज को खत्म कर दिया, नहीं कहा हम मामूल के तरीकों पर अंजाम देते हुए हक को हक और बातिल को बातिल जाहिर करना चाहते हैं।
ये हुसैन वारिस अंबिया है। जब इस हुसैन को देखा वो इब्ने यज़ीद बिहाई ने और उनके घोड़े की लिजाम को लगाम को थामा, तो जैसे ही लगाम को थामा एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा ऐ हो तेरी माँ तेरे गम में बैठे। बस ये सुनना था एक लम्हे के लिए होल ने अपने हाथ को छोड़ दिया, लरजने लगा, कांपने लगा, कहा कि हम गैरतदार कौम है, हम बाहया कौम है, किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि वो हमारी माँ के बारे में कह सके, लेकिन मैं क्या कहूँ कि आपकी माँ फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। एक मर्तबा होय इब्ने यज़ीद बिहाई से मौला हुसैन ने पूछा कि ऐ होय क्या तेरे काफले में कोई प्यासा भी है? कहा कि हाँ हमारे काफले में चंद जानवर है वो भी प्यासे हैं और चंद अफराद हैं वो भी प्यासे हैं। हुसैन ने अब्बास से कहा ऐ अब्बास जाओ और जितना पानी है वो हुर के लश्कर में तकसीम कर दो। हुर के लश्कर में ना कोई ऐसा जवान बचे कि जो प्यासा रह जाए और ना कोई ऐसा जानवर बचे कि जो प्यासा रह जाए। बस हुर ने इस तमाम मामले को इस वाकये को जहन नशीन कर लिया। बस शबे आशूर आती है, एक मर्तबा अल अतश की सदाएं बुलंद होती है, होर को नींद नहीं आती, खेमे से बाहर आते हैं, खेमे के अंदर जाते हैं, फिर खेमे से बाहर आते हैं, फिर खेमे में अंदर जाते हैं। कोई पूछता है ऐ होर तुम क्यों बाहर निकलते हो फिर अंदर आते हो? कहा मैं इस खेमे के दरमियान नहीं घूम रहा, मैं बहिश्त और जहन्नुम के दरमियान घूम रहा हूँ और ये सोचता हूँ कि वो हुसैन जिन्हें मैंने खुद रोका था, उस हुसैन के जिस हुसैन ने हमारे काफले वालों को पानी पिलाया था, आज उसी हुसैन के खयाम हुसैनी से अल-अतश अल-अतश की सदा बुलंद हो रही है। एक मर्तबा उमर इब्ने साद के पास आते हैं और कहते हैं सुबह का वक्त है, आशूर की सुबह है। एक मर्तबा हुर कहते हैं ऐ उमर इब्ने साद अब मुकातिल क्या तू वाकई जंग लड़ेगा? एक मर्तबा उमर इब्ने साद कहता है हाँ मैं ऐसी जंग लड़ूंगा जिसमें गर्दनें ज़िबा कर दी जाएंगी और हाथ काटे जाएंगे। एक मर्तबा हुर इब्ने यज़ीद बिहाई अपने गुलाम को लेते हैं, अपने बेटे अली इब्ने हुर को लेते हैं और मक्तल की तरफ दौड़ते हैं और हुसैन इब्ने अली की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ होर निकलते हैं, वहाँ हुसैन खेमे से निकलते हैं और कहते हैं ऐ बनी हाशिम के जवानों आओ हुसैन का मेहमान आ रहा है। ये वो है कि जिसके इस्तकबाल के अंदर अल्लाह के रसूल भी इस्तकबाल में यहाँ तशरीफ लाए हैं, फरिश्ते भी इसके इस्तकबाल में तशरीफ लाए हैं। आज़ादारों आपको खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। खुदावंद मुताल ने उस शख्स की जिसके बारे में ये कहा जाए कि इसने सीरत हुसैन पर अमल पैरा होते वक्त हुसैन के मुसीबत पर एक कतरा आंसू बहाया है तो उसके लिए बहिश्त को मुकर्रर कर दिया। वो हुसैन एक मर्तबा अपने दोनों हाथों को फैलाते हैं और कहते हैं ऐ तौबा करने वाले आओ, ऐ तौबा करने वाले आओ। हुसैन से होय इब्ने यज़ीद बिहाई गले नहीं मिलते, पैरों में पड़ जाते हैं और कहते हैं ऐ फरजंदे रसूल मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। एक मर्तबा मौला हुसैन कहते हैं ऐ होय तुझ जैसा जो भी तौबा करने वाला होगा मैंने उसे भी माफ किया और अल्लाह के रसूल ने भी माफ किया। ऐ होय जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। होय कहते हैं मौला मेरी वजह से आपके बच्चे प्यासे हैं, मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं शहादत का नजराना पेश करूँ, आप मुझे इजाजत दे दीजिए। एक मर्तबा मौला हुसैन होय को इजाजत देते हैं, होय अपने बेटे अली इब्ने हुर को लेकर निकलते हैं। गुलाम सबसे पहले जंग करता है, बेहतरीन जंग करता है, शहीद हो जाता है, फिर अली इब्ने हुर को भेजते हैं। अली इब्ने हुर जाना चाहते हैं, एक मर्तबा
मर्तबा मौला हुसैन से रुखसत होते हैं, मौला कहते हैं बेटा अली इब्ने हुर, याद रखना कि जब तुम प्यास महसूस करो तो तुम मेरे जद रसूल तुम्हें हौज़े कौसर से सैराब करेंगे। एक मर्तबा अली इब्ने हुर जाता है और 125 मलूनों को जहन्नुम हासिल करता है, वापस पलट कर आता है और कहता है ऐ हुर, ऐ बाबा मैं प्यासा हूँ, मुझे एक घूंट पानी मिल जाए तो मैं इस लश्कर को तमाम कर दूं। एक मर्तबा हुर कहते हैं कि ऐ अली इब्ने हुर, तू तो 8 दिन से पानी पीता रहा है, शबे आशूर सैराब हुआ है, उन बच्चों के बारे में सोच जो 10-8 दिन से प्यासे हैं और ऐसे प्यासे हैं कि इनकी सदाएं बुलंद हो रही हैं, अलताश अलताश, ये 3 दिन के प्यासे। तो अली इब्ने हुर कहते हैं कि हाँ मैं जंग के लिए निकलता हूँ। एक मर्तबा बेहतरीन शुजात का मजहर ये अली इब्ने हुर बनते हैं और एक गुर्ज इनके सर पर लगता है, जमीन पर गिरते हैं। जैसे ही जमीन पर गिरते हैं एक मर्तबा हुर से पहले हुसैन इब्ने अली पहुंच जाते हैं और हुर के इस जवान बेटे को अपनी गोद में लिटा देते हैं। हुर कहते हैं कि हुसैन आपने क्यों जहमत की? हुसैन जवाब देते हैं शरीयत के अंदर बाप का जवान बेटे के लाशे को उठाना मुनासिब नहीं है, मैं कहूंगा ऐ हुर कुछ ही देर रुक जाइए, वो वक्त आएगा अली अकबर होंगे, जवान बेटे का लाशा बाप से ना उठेगा, कहेंगे बनू हाशिम के जवानों आओ और हुसैन की मदद करो, वो इस जवान बेटे के लाशे को बुलंद कर सके। बस हुर की नौबत आती है, हुर भी लश्कर में जंग करने के लिए जाते हैं, बेहतरीन शुजात के मराहिल को तय करते हैं। एक मर्तबा शहीद होते हैं और उनकी पेशानी पर एक तीर लगता है, खून बहने लगता है, अभी रमक बाकी होती है। हुसैन दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं और हुसैन हुर के सर को अपनी गोद में ले लेते हैं और उस पर एक रुमाल उनकी पेशानी पर बांध देते हैं। हुर कहते हैं कि मौला हुसैन आप मेरी तरफ से इन तमाम बीबियों को ये कह दीजिएगा कि मुझ हुर को माफ कर दें। मौला हुसैन कहते हैं कि हाँ इन मस्तूरात ने भी तुम्हें माफ किया। एक मर्तबा इस्माइल सफवी, ये वो बादशाह था कि जिसने ईरान से जाकर बगदाद में हमला करके बगदाद से कर्बला के मैदान में पहुंचता है। लोग कहते थे, बाज लोग ये कहते थे कि चूंकि हुर ने एक ऐसा इकदाम किया था कि जिससे हुसैन इब्ने अली कर्बला में शहीद हो गए, तो इसलिए ये हुर वो है कि जिन्होंने खुद ही ने इस चीज को तकसीर किया और वो कसूरवार है। ये इस्माइल सफवी जाते हैं और हुर की कब्र को नक्शे कब्र किया जाता है। एक मर्तबा उन्हें याद आता है कि हाँ उन्होंने ये मकातिल में सुना है कि हुर के लाश के ऊपर और उनके जनाजे पर जब हुसैन पहुंचे थे तो उनकी पेशानी के ऊपर एक रुमाल बांध दिया था, वो इस रुमाल को अपने लिए तबर्रुक के तौर पर लेने चाहते हैं। एक मर्तबा देखते हैं तरोताजा खून हुर की पेशानी से रस रहा है, कहते हैं कि हाँ मक्तल के वो जुमले सबसे बेहतरीन जुमले हैं जिससे हुर की अजमत साबित होती है कि हुर के लिए हुसैन ने कहा था अंता हुरुन फिर दुनिया वल आखिरा, ऐ हुर तुम दुनिया में भी आजाद हो और आखिरत में भी आजाद हो, मैं कहूंगा ऐ हुर आपकी मुसीबत तो यहीं पर खत्म हो गई, आपको कहा आप दुनिया में भी आजाद आखिरत में भी आजाद, लेकिन ये अहले बैत इनकी मुसीबत अभी खत्म ना हुई, आपके जाने के बाद बनू हाशिम के जवान शहीद होंगे और मस्तूरात कैद होंगी और एक वो वक्त आशूर की शाम का भी आएगा कि वो हुसैन जिसने आपको आजादी का तमगा दिया है वही हुसैन होगा और आपको तो हुसैन इब्ने अली ने
ने अपनी गोद में आपका सर रखा था, लेकिन हुसैन का सर जब जख्मों से चूर हो जाएगा, हुसैन जमीन कर्बला पर जैन से जमीन पर आएंगे, तो कोई ना होगा जो हुसैन के सर को गोद में ले। एक शकी होगा, एक खबीस होगा जो तेरा जरबों से पुश्ते गर्दन से हुसैन इब्ने अली को शहीद। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अलीम। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल मकबूल फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो जो मोमिनीन बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला इनायत फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिन जिन मोमिनीन ने दुआ के लिए इल्तिमास की है, जो जो मोमिनीन असीर हैं कैद हैं उन्हें रिहाई अता फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस वबा को इस दुनिया से दूर कर दे। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो जो मोमिनीन जो जो हाजात लेकर आए हैं उनकी हाजात को वबा फरमा। हमें सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद का अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा। इमाम ज़माना के ज़रूर में तहजील फरमा। हमें उनके आवान अंसार में शामिल फरमा। मातमे हुसैन।